दोस्तों बॉलीवुड में मीटू कैंपेन के तहत अब तक कई दिग्गजों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसका खामियाजा कई सितारे भी झेल रहे हैं। और अब हैशटैग मीटू की गाज गिरी है सुपरहिट फिल्में दे चुके राजकुमार हिरानी पर। नतीजा ये हुआ किसके चलते उन्हें फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। तो आखिर क्या है ये पूरा माजरा और अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर क्या कहा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने, आइए जानते हैं। बॉलीवुड का मुन्ना भाई MBBS, थ्री इडियट्स, PK और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पर यौन शोषण का आरोप लगा है। जी हां, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी पर उन्हीं की असिस्टेंट डायरेक्टर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि हिरानी ने उनके साथ 6 महीनों तक यौन शोषण किया। जैसे ही ये खबरें मीडिया में आई तो खलबली मच गई। उन्हीं की असिस्टेंट डायरेक्टर रही एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मार्च 2018 से लेकर सितंबर 2018 तक उनका यौन शोषण किया। उनका दावा है कि राजकुमार हिरानी ने फिल्म संजू के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उन्हें परेशान किया और करीब 6 महीनों तक उनका यौन शोषण किया। सोर्सेस की माने तो महिला ने सबसे पहले संजू के को प्रोड्यूसर विदु बिनोद चोपड़ा को इसकी जानकारी मेल के जरिए दी थी, जिसके बाद इस पर एक्शन लेते हुए फॉक्स स्टार इंडिया ने BBC फिल्म्स को लेटर के जरिए बताया कि अगर वो स्टूडियो राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म करेगा तो हम इस पर कार्यवाही करते हुए पार्टनरशिप तोड़ देंगे। जिसके बाद राजकुमार हिरानी को 2 बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल जल्द ही राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 सीरीज पर काम करने वाले थे, लेकिन फॉक्स स्टार इंडिया के करीबी सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में हुई एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि अगर महिला के लगाए आरोपों पर राजकुमार हिरानी दोषी साबित होते हैं तो फॉक्स स्टार इंडिया इनके साथ काम नहीं करेंगे। साथ ही मीटिंग के दौरान एक फैसले में बताया गया कि फॉक्स स्टार इंडिया पीड़ित महिला के साथ गंभीरता से खड़ी है। यही वजह है कि अपकमिंग फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि पोस्टर और ट्रेलर से राजकुमार हिरानी का नाम अचानक से हटा दिया गया। वहीं जब तक राजकुमार हिरानी इस मामले में निर्दोष साबित नहीं होते तब तक मुन्ना भाई 3 होल्ड पर रहेगी। वहीं राजकुमार हिरानी ने भी ट्विटर के जरिए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने लिखा है, मैं पूरी शक्ति के साथ इन आरोपों को गलत करार देता हूं और इसे एक साजिश का हिस्सा बताता हूं। यह केवल मेरी इमेज खराब करने की कोशिश मात्र है। बता दें कि बीते साल मीटू कैंपेन के तहत कई निर्माता निर्देशकों के नाम सामने आए थे और अब साल की शुरुआत में इंडस्ट्री के पॉपुलर निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी का नाम भी मीटू कैंपेन में सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।